कुंद कैश्वर माता, एक निवेदन आप सबसे, मान लो डॉक्टर कह दे कि केस बिगड़ा हुआ है, गर्भ में जो बच्चा है वो नाल में उलझा हुआ है। बिगड़ा हुआ कैसे? नहीं सवर रहा, सुधर ही नहीं पा रहा, और लग रहा है कि कुछ ना कुछ उपद्रव होगा। तो फिर कुंद कैश्वर महादेव के नाम से तुरंत एक लोटा में पानी भरो कलश में, और बाबा कुछ मत करो, बस कुंद कैश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाकर आ जाओ, उसके भरोसे पर छोड़ दो। अब उलझाना कि सुलझाना तू जान, ये तेरे ऊपर। इतने साल के बाद किसी की यहां औलाद दे दी, संतान दे दी, तो वो नगाड़ा बजाने आ गया। तुम बाबा पर विश्वास कर अगर एक लोटा पानी भी शिव को समर्पित करते हो तो क्यों ना देगा। बस किस नाम को किस जगह पर बोलना है, किस नाम का स्मरण कहां करना है, ये आपके ऊपर होना चाहिए, ये आपके ऊपर। पहले स्नान करोगे, बोलो सही है, स्नान करके कपड़ा पहना, कपड़ा पहनने के बाद इत्र लगाया। अब कहीं कहीं का ऐसा उल्टा चले कि कपड़ा पहनने के पहले ही इत्र लगा ले और फिर मैं तो कपड़ा पहनूंगा, तो ये उल्टा चले तो बात दूसरी है। पर यहां शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय पर जिस जिस समय पर भगवान शंकर के जिस नाम का स्मरण करना है, मैं उस नाम को पुकार।